आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम्ब्रायोलॉजी जो चैप्टर है इसमें एंथर का स्ट्रक्चर एंड एंथर क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पराग कोश सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं। यह जो प्लांट है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक इम्पॉर्टेंट जो होता है पार्ट होता है। ठीक है, पराग कोश या एंथर। तो एंथर जैसा कि नाम है पराग कोश, यह पुष्प के नर जनन अंग अर्थात पुंकेसर जो स्टैमिन होता है उसके शीर्ष या टॉप वाले फर्टाइल भाग में प्रेजेंट होता है। तो एंथर जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमिन के टॉप फर्टाइल या जिसको हम कहते हैं शीर्ष उर्वर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें दो या दो से अधिक लघु बीजाणुधानियाँ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जिनको हम पॉलन सेक भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया दो या दो से अधिक जो है लघु बीजाणुधानियाँ होती है जिन्हें पराग धानियाँ या पॉलन सेक भी कहते हैं, जिनमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं अर्थात पराग कण इनके अंदर उपस्थित होते हैं। हम देखें एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना एंथर की। तो सिंपल तौर पर एंथर जो है चार लघु बीजाणुधानियों युक्त हो सकते हैं जिसको कि टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। पराग कोश चार लघु बीजाणुधानी युक्त अर्थात टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप के हो सकते हैं एंथर, बट कुछ प्लांट में जो एंथर होते हैं वो दो बीजाणुधानियों वाले अर्थात बाइस्पोरेंजिएट टाइप के भी हो सकते हैं। अर्थात कुछ प्लांट में बाइस्पोरेंजिएट और टेट्रास्पोरेंजिएट तो ज़्यादातर सभी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अपवाद स्वरूप कभी कभी किसी किसी प्लांट में एक लघु बीजाणुधानी अर्थात मोनोस्पोरेंजिएट टाइप के प्लांट भी मिलते हैं। तो बाइस्पोरेंजिएट टेट्रास्पोरेंजिएट एंड मोनोस्पोरेंजिएट टाइप के जो है वो लघु बीजाणुधानियाँ होती है पराग कोश के अंदर। आगे देखें परागकोश और परागकण पॉलन ग्रेन एंड एंथर जिसको हम कह रहे हैं। एंथर परागकोश पॉलन ग्रेन परागकण का डेवलपमेंट देखें साथ साथ होता रहता है और जो प्राइमोडियम से होता है। ठीक है, जो प्राइमोडियम में क्या है इसको देखें हम, तो यह पुष्पासन जो थैलेमस होता है उसके ऊपर राउंड सेलुलर उभार वाले जो पार्ट होता है जिससे बनना स्टार्ट होते हैं जिसको हम प्राइमोडियम कहते हैं, इससे होता है। और परिपक्व परागकोश की जो वाल होती है भित्ति होती है फोर लेयर की बनी होती है जो कि हमने कई प्लांट में देखी है। परिपक्व जो परागकोश होता है एंथर होता है उसमें एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर मध्य स्तर जिसको बोलते हैं और टेपेटम, ये चार स्तर की जो है चार वाल वाली फोर लेयर वाली जो एंथर की है मैच्योर एंथर में प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टेपेटम। एपिडर्मिस के बारे में देखें, एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर जो प्रेजेंट बाहरी लेयर है परागकोश का अर्थात यह एक स्तर वाला होता है, परागकोश के विकास के साथ साथ सामंजस्य बनाए रखता है। यह एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है एंथर का और एंथर के डेवलपमेंट के साथ साथ यह सामंजस्य बनाए रखता है और एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होता रहता है यह, और जिसको कि एपिडर्मिस से हम देखें जो तंतुमय पदार्थ है सेलुलोज की बनी हुई थिकनिंग इसमें नहीं पाई जाती, खासकर एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है सेलुलोज की बनी जो तंतुमय जिसको हम बोल रहे हैं फाइब्रियस थिकनिंग इसमें नहीं पाई जाती और यह एक प्रतिरक्षात्मक स्तर होता है जो कि सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है जो है एंथर को। इसके बाद देखें अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट में एंथर जो है एंथर के एपिडर्मिस में जो फाइब्रियस थिकनिंग है कि वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसी प्लांट में होती है अपवाद स्वरूप, बट ज़्यादातर में जो थिकनिंग है कि फाइब्रियस की वो नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर। हम देखें आगे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो एंथर का एक पार्ट या एक स्तरीय कोशिकी स्तर होता है जो कि एपिडर्मिस के बाद अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। एक स्तर होता है एपिडर्मिस के बाद अंदर की ओर होता है। एंडोथीसियम की सेल्स देखें सेलुलोज के जमाव के फलस्वरूप इसमें थिकनिंग पाई जाती है, हमने देखा था एपिडर्मिस में थिकनिंग नहीं पाई जा रही बट इसमें सेलुलोज जो है पाया जाता है, सेलुलोज का जमाव हो जाता है और इसके फलस्वरूप इसमें थिकनिंग जो है जिसको हिंदी में हम कहते हैं तंतुनुमा स्थूलन, थिकनिंग जो है वर्ड इसका हिंदी तंतुनुमा स्थूलन थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है और जो कि एंथर के उभार वाले पार्ट पर ज़्यादा डेवलप होती है। तो यह एक एंडोथीसियम जो कि इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के अंदर।
हम आगे देखें एंडोथीसियम के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स के ग्रुप को हम स्टोमियम कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में आया स्टोमियम क्या है, तो यह एंथर का एक पार्ट है जो कि एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं उसके ग्रुप को हम स्टोमियम कहते हैं, अर्थात ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स इज कॉल्ड स्टोमियम। एंडोथीसियम देखें प्रतिरक्षात्मक स्तर के साथ साथ एंथर के जो प्रस्फुटन है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, एक रक्षात्मक कार्य कर ही रहा है जो है एंडोथीसियम। बट पराग कोष का जो प्रस्फुटन होता है अर्थात पराग कोष के निकलने की प्रक्रिया जिसमें कि पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंथर के स्ट्रक्चर में हमने देखा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिडिल लेयर एंड टेपेटम जो कि इंपॉर्टेंट होता है।